हाँ चेक कीजिए मेरी आवाज आ रही है तो। हाँ सर ठीक है, चलिए फिर। लास्ट टाइम हम लोग जो देख रहे थे दैट वाज ऑल अबाउट द आईपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो बताइए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में आप लोगों का जो नाम लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना होता है वहां पर? रूट वर्ड, रूट वर्ड। वेरी गुड, सबसे पहले हम लोग को लिखना होता है रूट वर्ड। उसके बाद में नेक्स्ट चीज बताइए, नेक्स्ट चीज क्या लिखनी होती है? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कहाँ लिखेंगे, और राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ रूट वर्ड? राइट साइड, राइट साइड पर लिखना है। क्या लिखना है? प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। ओके फाइन। उसके बाद में नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है आप लोग को वो लिखना है प्राइमरी सफिक्स के बाद में। उसके बाद में आप लोग को क्या लिखना है? सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं एक बात करना आप लोग को भूल गया था, जो मुझे अपराध सर ने आप लोगों के ध्यान में लाकर दी थी, कि यहाँ पर अगर आप किताबें देखोगे ना तो काफी सारी किताबों में आप लोग को क्या दिया रहेगा कि सेकेंडरी सफिक्स की जगह यहाँ प्राइमरी सफिक्स रहेगा, यहाँ सेकेंडरी सफिक्स रहेगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि काफी सारे किताबों के रेफरेंस में सेकेंडरी जो प्रीफिक्स होता है ना, वो प्रीफिक्स के लिए साइक्लो यूज किया गया है, और जो सब्स्टिट्यूट होते हैं उसके लिए उन्होंने प्राइमरी सॉरी क्या बोलते हैं उसको, सेकेंडरी प्रीफिक्स बोला गया है। ठीक है, बट काफी सारी चीजों में आप लोगों को वो उल्टा भी दिखाई देता है। तो एक काम कर लेते हैं, सारे कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ना, हम लोग यहाँ पर रूट वर्ड के आगे में सिंपली एक वर्ड ही डाल देते हैं जिसको हम बोल देते प्रीफिक्स। अब वो सेकेंडरी और प्राइमरी क्या होता है वो हम बाद में देखते बैठेंगे। क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ओके फाइन, तो यहाँ पर सिर्फ प्रीफिक्स बोलने की आदत डाल दीजिए तो हमारा कंफ्यूजन ही अवॉइड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, कुछ किताबें अगर आप पढ़ने बैठ जाओगे फिर वहां वो किताबों में कुछ अलग दिखाई देगा, मैं पढ़ाते हुए थोड़ा सा अलग वर्ड यूज करूंगा, तो इट माइट क्रिएट द कंफ्यूजन। तो नाउ यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, तो चलिए अभी बताइए, सबसे पहले हमारा जो मेन होता है वो होता है रूट वर्ड। क्या होता है रूट वर्ड? रूट वर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन, इन अ चेन। ये वाला ध्यान में रखना, व्हाट इज रूट वर्ड? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन, बराबर है। तो बताइए रूट वर्ड जो होता है, रूट वर्ड के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? रूट वर्ड के लिए अल्क, अल्क यूज करते हैं। और बताइए एक से लेकर 20 तक के, बताइए सारे के सारे रूट वर्ड आपको डेली पहले ये टेबल पढ़ना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो आप फटाफट फटाफट ऐसा बोली वन मीट टू ईट थ्री फोर फाइव बताइए फाइव ब्यूट पेन सिक्स इलेवन पेंटाडेक 18 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
तो ये हो गए हमारे सारे के सारे रूट वर्ड। अब हम देखते हैं प्राइमरी सफिक्स। तो बताइए प्राइमरी सफिक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कार्बन बॉन्ड, बॉन्ड कार्बन, कार्बन बॉन्ड ऐसे बोलना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो प्राइमरी सफिक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कार्बन 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 बॉन्ड। अब बताइए प्राइमरी सफिक्स मतलब ही कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप। मतलब प्राइमरी सफिक्स कितने टाइप का होगा? थ्री टाइप। कौन कौन से होते हैं बताइए प्राइमरी सफिक्स? AN, YN. ओके AN कब यूज करेंगे? जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन क्या हो? सिंगल बॉन्ड। EN कब यूज करेंगे? जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। Then next, YN कब है? जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तब। जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, बराबर है? समझ में आया आपको? हाँ सर। हाँ सर। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज मुझे यहाँ पर ये बताइए कि यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा AN, EN, YN जो कि हमारे प्राइमरी सफिक्स है, तो मैं अगर एक कंपाउंड निकाल रहा हूँ ये लिखिए, ठीक है, तो मुझे बताइए कि जब मैं बोल रहा हूँ कि AN आप लोग को लिखना है तो इसका मतलब कार्बन कार्बन सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो जब EN मैं कब लिखूंगा? जब सभी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या फिर कोई एक कार्बन में डबल बॉन्ड रहा तब भी? एक बॉन्ड में डबल बॉन्ड रहा तब भी। एक कार्बन में अगर डबल बॉन्ड रहता है तब भी आप लोगों को क्या यूज करना है? EN ही यूज करना है। और गलती से अगर एकादे भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो बराबर है। अब मुझे बताओ अगर एकादे पर्टिकुलरली कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और एक कार्बन और दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ऐसे टाइम पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखिए पहले केस में यहाँ डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? AN लिखेंगे, EN लिखेंगे या YN लिखेंगे? YN। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? YN। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको YN नहीं, आपको EN भी लिखना पड़ेगा, दोनों भी लिखना पड़ता है। समझ में आ रहा है? अगर आपके कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों भी होते हैं सेम कंपाउंड के अंदर में, तब आप लोगों को उसमें EN भी लिखना पड़ेगा और YN भी लिखना पड़ेगा। Get it? हाँ सर। ओके, तो ये चीज दिमाग में रखनी है। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी सफिक्स, तो बताइए सेकेंडरी सफिक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था? फंक्शनल ग्रुप। किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा था। अच्छा बताइए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? A group of atoms with specific properties of the compound. Exactly. An atom or the group of atoms which give the specific properties to the specific compounds. Okay? So, जो functional groups होते हैं, तो हम लोगों ने last time देखा था कि कौन कौन से functional groups होते हैं, मतलब compounds कौन कौन से होते हैं, वो compounds का general structure क्या होता है, फिर उसका फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर फंक्शनल ग्रुप के नाम क्या होता है, और फिर उसका सफिक्स क्या होता है, और इवन इफ हम लोगों ने प्रेफिक्स भी देखा था कि भाई प्रेफिक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ध्यान में रखिए यहाँ मैं ये भी बता देता हूँ। प्रेफिक्स आप लोगों को यूज रिप्रेजेंट करता है सब्स्टिट्यूएंट्स को, ध्यान में रखना किसको रिप्रेजेंट करता है? सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट्स का मीनिंग क्या होता है मैं ये समझाता हूँ। देखिए मैं ये कार्बन, एक पर्टिकुलरली कार्बन का स्केलेटन निकाल रहा हूँ। देखिए हम लोगों को सबसे पहले रूट वर्ड निकालना होता है। रूट वर्ड हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन। चेन बराबर। तो ये जो चेन होता है ना, तो ये चेन कैसा होना चाहिए? ये चेन होना चाहिए लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस। चेन हमेशा कैसा होना चाहिए? लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए।
ओके तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने ये चेन निकाल लिया, तो बताओ ये चेन को अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं चेन किस तरह से सिलेक्ट करूंगा कि चेन कैसा होना चाहिए, लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यू, ये चेन कंटिन्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक। हाँ हाँ ओके अब इसमें देखिए कार्बन कितने आ रहे हैं, ये पांच पांच फाइव फाइव। पर क्या बोलेंगे कि यहाँ पर हमारा रूट वर्ड क्या होगा, पेंट 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 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने पांच है। अब देखिए मैं एक और चेन बना रहा हूँ, अब बताइए ये चेन मैं कैसे सिलेक्ट करूं, लॉन्ग चेन। पहला तरीका ये है, ये पहला चेन, दूसरा चेन मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, ये दूसरा चेन बराबर है, तीसरा चेन में क्या सिलेक्ट करूंगा, ये तीसरा चेन। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। तो यहाँ टोटल कितने चेन सिलेक्ट हो सकते मेरे, तीन, एक जो ब्लैक ब्रैकेट से लिखा है ब्रैकेट से, एक ब्लू से और एक ग्रीन से, तो इसमें से कौन सा चेन हमारा सिलेक्ट करना है, चेन सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ रूट वर्ड क्या लिखना है। देखिए अगर आप लोगों ने सिर्फ ये सुना होता है, ये सोचा होता है कि रूट वर्ड मतलब नंबर ऑफ कार्बन, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने, एक दो तीन चार पांच छह और सात है, बराबर है, टोटल कार्बन कितने है चेन में यहाँ, बट आप लोगों को सात के लिए जो रूट वर्ड होता है कौन सा नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला, मैंने सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन, चेन और चेन कैसा होना चाहिए था बोला मैंने, चेन कैसा होना चाहिए, लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन। अगर ये सातों के सातों कार्बन वाला अगर आपने चेन बनाया होता, ठीक है, तो बताओ कि सातों का सातों का कार्बन का चेन कैसा होता था, कुछ इस तरह से होता था, ये चेन कंटिन्यू है क्या, कंटिन्यू है क्या ये चेन, मतलब फिर आप वहां से जाकर ऐसे आ गए, चलेगा क्या ऐसे, नहीं नहीं चलेगा, क्योंकि चेन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यू, देखिए या तो ऐसा होना चाहिए था, या तो ये ऐसा होना चाहिए था, या तो फिर ये ऐसा होना चाहिए था, बराबर है, लेकिन आप कैसे चेन बना रहे हो, लेकिन ये वाला जो चेन है वो कैसा जा रहा है, ऐसे जाकर ऐसे जा रहा हो, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ पर जा रहा है, ये कंटिन्यू हो रहा है क्या, नहीं कंटिन्यू नहीं हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ से जाकर नीचे आ रहे हो, फिर ऊपर जा रहे हो, फिर वहां पर जा रहे हो, तो इसको आप कंटिन्यू नहीं बोल सकते, समझ में आ रहा है आपको, तो अब हमारा चेन जो है कंटिन्यू, ऐसा वाला कंटिन्यू नहीं, कंटिन्यू सिर्फ चीन है, जैसे ये पहला पार्ट मतलब ये ब्लैक से निकाला हुआ कंटिन्यू है, ब्लू से निकाला हुआ कंटिन्यू है, और ग्रीन से निकाला हुआ भी कंटिन्यू है, बराबर है, हाँ सर। हाँ अब इसमें से हम लोग चेन कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ध्यान में रखना कंटिन्यूस तो ये तीनों चेन है, अब उसमें भी कैसा होना चाहिए, लॉन्ग लॉन्ग एंड लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होगा, जो सबसे लंबा है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हो, सबसे लंबा है मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा, जैसे देखिए ब्लैक वाला चेन, देखिए ब्लैक वाले चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, सिक्स कार्बन, ब्लैक वाले में सिक्स कार्बन आ रहे हैं, देन ब्लू वाले में देखिए ब्लू वाले में कितने कार्बन आ रहे हैं, पांच कार्बन आ रहे हैं, और जब मैंने ग्रीन चेन सिलेक्ट किया तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, फोर कार्बन, तो इसमें से लॉन्गेस्ट आप किसको बोलेंगे, सिक्स कार्बन, फाइव कार्बन या फोर कार्बन, सिक्स कार्बन। इसीलिए आप कौन सा चेन सिलेक्ट करेंगे, ब्लैक वाला, ब्लू वाला या ग्रीन वाला, ब्लैक वाला, ब्लैक। अच्छा आप रेड वाला क्यों नहीं सिलेक्ट करेंगे बताइए, क्योंकि वो लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए लॉन्ग कंटिन्यूअस नहीं है। रेड वाले को हमने क्यों सिलेक्ट नहीं किया था, ध्यान रखिएगा, रेड वाले को क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया था,
कंटिन्यूअस नहीं था, ये एक ही रीजन है, रेड वाले को सिलेक्ट न करने का एक ही रीजन है, क्योंकि वो क्या नहीं था, कंटिन्यूअस नहीं था। और आपको चेन क्या चाहिए, कैसा चाहिए चेन, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस और लॉन्ग 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 और कंटिन्यूअस। कौन सा चेन है फिर आपका, ब्लैक वाला, ब्लैक वाला। तो फिर बताइए इस वाले स्ट्रक्चर में आप लोग रूट वर्ड क्या लिखेंगे, हेग्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेग्स। आप लोग हेप लिखेंगे क्या, नहीं नहीं, क्योंकि हेप जो है सात कार्बन का जो चेन है वो कैसा नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं, सात चार कार्बन वाला चेन कैसा नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं, बराबर है। अब ध्यान दीजिए, ये जो पर्टिकुलरली हम लोगों ने ब्लैक वाला चेन सिलेक्ट किया है जिसमें छह कार्बन एटम आ रहे हैं, ठीक है, तो आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये छह कार्बन चेन के अंदर है, जबकि एक कार्बन जो है वो कहाँ है, चेन के बाहर है, चेन के बाहर है, ओके। तो ऐसा कार्बन जो चेन के बाहर होता है ना, इस कार्बन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ये कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या है वो, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, ओके। अब भाई प्रीफिक्स का नाम कैसे लिखना है, ओके, तो प्रीफिक्स का नाम, प्रीफिक्स या तो कोई कार्बन एटम का चेन हो सकता है या फिर आपका फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए प्रीफिक्स क्या लिखने, अभी वो हम टेबल में पढ़ रहे हैं, बट अगर कार्बन एटम वाले प्रीफिक्स होंगे तो उनके नाम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान में रखना उनका नाम लिखा जाता है एज एन अल्काइल, क्या लिखा जाता है उसका नाम, अल्काइल, अल्काइल। अब इसमें आप लोग को एक चीज तो ध्यान में आ रहा होगा, क्या यहाँ पर भी क्या आ रहा है, मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अल को आपको क्या लगा देना है, वायल, वायल। तो जैसे देखिए अगर यहाँ एक ही कार्बन है तो अल की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, मिथाइल, 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 वेरी गुड। अगर एक कार्बन रहा तो आप क्या लिखेंगे चेन के बाहर, मिथाइल, मिथाइल। अगर यहाँ दो कार्बन होते चेन के बाहर तो इथाइल, इथाइल, इथाइल। तीन होते तो प्रोपाइल, प्रोपाइल। चार होते तो ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, लाइक दैट। समझ में आ रहा है आपको, हाँ सर, ओके गुड। तो चलिए हम लोग वापस आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप पर। तो फंक्शनल ग्रुप का जो टेबल हम लोग लास्ट टाइम शुरू किए थे, बताइए सबसे पहला हम लोगों ने कौन सा कंपाउंड, हम लोगों का पहले बताइए वो जो टेबल लिखा था उसमें कौन कौन से कॉलम लिखे थे, पहला कॉलम किसका था, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका नाम, ओके। देन सेकंड जनरल, जनरल स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद में नाम के बाद में उसका हम लोगों ने क्या लिखा था, जनरल स्ट्रक्चर। उसके बाद में स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर भाई, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर, किसका, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर। उसके बाद में नेम लिखिए, फंक्शनल ग्रुप का नेम, फंक्शनल ग्रुप का नेम, नाम। उसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या लिखा था, सफिक्स, सफिक्स, सफिक्स। कौन सा सफिक्स होता है ये, सेकेंडरी सफिक्स, अरे कौन सा सफिक्स होता है वो जो हम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। और फिर हम लोग क्या लिख रहे थे इसका, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, ओके। प्रीफिक्स का मतलब क्या बोला था मैंने, प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, सबसे पहला वाला कंपाउंड का नाम क्या लिखा था हम लोगों ने, भाई ये सब मैं आप लोगों को पहले ही पता चुका हूँ,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना मैं आप लोग को इनिशियली पढ़ा रहा और बोलूंगा आपको याद करना है उसको पहले याद कर लो, ठीक है? अगर आपने याद किया तो ये अच्छा है आप लोग के लिए, नहीं तो फिर भूल जाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान है लेकिन याद करेंगे तब। जनरल स्ट्रक्चर बताओ। आर एक्स एल। फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर बताओ। डैश एक्स एक्स। वेरी गुड। फंक्शनल ग्रुप का नाम बताओ। हैलाइड। हैलाइड। या तो आप इसको हैलाइड बोल सकते हो या तो हैलोजन एटम बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है। नेक्स्ट बताइए। सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता है, ठीक है? कोई भी इसका सफिक्स नहीं सकते, सफिक्स नहीं होता है। प्रीफिक्स क्या होता है? हेलो। हेलो होता है, वेरी गुड, ठीक है? फिर हम लोगों ने देखा था कि अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो कितने टाइप का होता है? फोर टाइप का। कौन कौन सा होता है? पहला अल्काइल फ्लोराइड। जनरल स्ट्रक्चर बताओ ना। आर डैश आर एफ एफ। आर डैश मैश नहीं बोलने का, क्या बोलेंगे? आर एफ एफ एफ। देन फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर बताओ। एफ एफ एफ। फंक्शनल ग्रुप का नाम बताओ। फ्लोराइड। फ्लोराइड फ्लोराइड। देन सेकेंडरी सफिक्स बताओ। नो क्या? नहीं रहता, कुछ नहीं है। और प्रीफिक्स क्या होता है इसका? फ्लोरो। फ्लोरो फ्लोरो, बराबर है, ठीक है? हाँ। देन नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या होता है? अल्काइल क्लोराइड। अल्काइल क्लोराइड। जनरल स्ट्रक्चर? RCl। RCl। फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर? Cl। 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 फंक्शनल ग्रुप का नाम? क्लोराइड। क्लोराइड। सेकेंडरी सफिक्स का नाम? नहीं होता है। प्रीफिक्स का नाम? क्लोरो। क्लोरो, वेरी गुड। थर्ड वाला बताओ, थर्ड कौन सा होता है? अल्काइल उसके बाद में उसका प्रीफिक्स ब्रोमो। ब्रोमो होता है, वेरी गुड। देन नेक्स्ट वाला कंपाउंड बताओ, कौन सा होता है? अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड, वेरी गुड। स्ट्रक्चर बताओ, जनरल स्ट्रक्चर? आर आर आर, वेरी गुड। देन उसके फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर? आई आई। फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर? आई आर आर। ओके सॉरी, आई। उसके बाद में उसका फंक्शनल ग्रुप का नाम? आयोडाइन। आयोडाइड। आयोडाइड, ओके, वेरी गुड। उसके बाद में नेक्स्ट उसका सेकेंडरी सफिक्स? नहीं होता है सेकेंडरी सफिक्स। और प्रीफिक्स? आयोडो। आयोडो, वेरी गुड। चले, फिर ये हो गया पहला कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड बताइए, कौन सा पढ़ा था दूसरा कंपाउंड हम लोगों ने? अल्कोहल। ओके, तो चलिए बताइए अभी अल्कोहल के बारे में। तो सेकंड कंपाउंड था हमारा अल्कोहल। हाँ, तो बताइए अल्कोहल का सबसे पहले क्या बताना है आप लोगों को? जनरल स्ट्रक्चर। तो बताइए जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है अल्कोहल का? ROH। ओके, नेक्स्ट क्या बताना है इसका? फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर, तो चलिए बताइए फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है? OH होता है, वेरी गुड। देन नेक्स्ट क्या बताना है हम लोगों को? फंक्शनल ग्रुप का नाम। फंक्शनल ग्रुप का नाम, फंक्शनल ग्रुप का नाम बताइए। फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उसका हाइड्रोक्सिल। देन सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स अल्कोहल का? OL। OL, वेरी गुड। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स
हाइड्रोक्सी क्या होता है? हाइड्रोक्सी ओके वेरी गुड। चलिए आप थर्ड कंपाउंड बताइए, थर्ड कंपाउंड का नाम क्या था? ईथर्स। वेरी गुड, क्या नाम था थर्ड कंपाउंड का? ईथर्स ओके। चलिए बताइए अभी ईथर्स का आर ओ आर जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? आर ओ आर वेरी गुड ठीक है। हाँ चलिए बताइए फंक्शनल ग्रुप का नाम? ओ ओ ओके। हाँ सॉरी फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर ओ होता है। फंक्शनल ग्रुप का नाम ऑक्सी ग्रुप। ऑक्सी वेरी गुड। फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता? नहीं होता है, नहीं होता है। सफिक्स अल्कोक्सी। अल्कोक्सी यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक वर्ड है कौन सा? अल अल, अल। और अल क्या होता है पता है आप लोग को? नंबर ऑफ कार्बन एटम। चलिए अभी नेक्स्ट फोर्थ कंपाउंड तो बताइए। चलिए फोर्थ कंपाउंड का नाम बताइए। अल्डिहाइड्स। ऐसे पढ़ना इसको आर आर डबल बॉन्ड एच। बड़े कैसे पढ़ना है बताइए? RCHO ये इसका जनरल स्ट्रक्चर होता है। चलिए अभी फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर बताइए क्या होगा? CHO नहीं सर अब आ रही सर अब आ रही सर सर अपनी आ नहीं आ रही है सर। अभी भी नहीं आ रही। नहीं आ रही नहीं सर अभी आ रही AL इसका प्रीफिक्स क्या होता है? फॉर्माइल। ठीक है तो ये हो गया हमारा परिचय। अब नेक्स्ट कंपाउंड तो भाई तो नेक्स्ट कंपाउंड का नाम होता है बोलूंगा हमारा कीटोन्स। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है हमारे? कीटोन्स। कीटोन्स का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? कीटोन्स का जनरल C डबल बॉन्ड ओ C
सीओ अब ये तो पर्टिकुलर फंक्शन को होता है इसका नाम क्या होता है इसका नाम होता है या तो आप इसको इको लिखिए या फिर आप इसको कार्बोन लिखिए ठीक है बड़े क्या नाम है फंक्शन ग्रुप का नाम क्या है उस वाले कीटो और कार्बोन कार्बोनिल वापस बताइए क्या है फंक्शन ग्रुप का नाम उस वाले कीटो और कार्बोनिल कार्बोनिल या फिर कार्बोनिल अरे समझ में आ रहा है हाँ सर देन सेकेंडरी सफिक्स अब सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ये वाला क्या है ये वन 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 क्या है ये ओ यानी कीटोन ओ यानी मतलब कौन बोलना है वन नहीं बोलना है क्या बोलना है उसको ओन ओ कीटोन का ओ कीटोन से लेके ओ यानी है ना लास्ट में वो वाला इसको आप कीट वन बोलते या कीटोन बोलते हो कीटोन 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 इसलिए ओ यानी को क्या बोलते थे आप लोग ओ यानी नहीं ओ नो ओ क्या बोलना है तो ओ अब इसका प्रीफिक्स क्या होता है इसका जो प्रीफिक्स होता है ना तो वो बस अंतराम सा होता है ठीक है जैसे इसमें आप लोग मतलब देखिए क्या होता है आप लोगों का यहाँ पर एसिटॉक्सी मिथॉक्सी ऐसे कुछ वर्ड किए जाते हैं एसिटिल कार्बोनिल मिथाइल कार्बोनिल वगैरह 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 ठीक है तो इसीलिए फिलहाल के लिए मैं इसका प्रीफिक्स तो लिख देता हूँ ना ठीक है वो एक लिख देता हूँ फिलहाल के लिए अल्काइल कार्बोनिल अल्काइल कार्बोनिल ओके समझ में आ रहा है हाँ सर हाँ सर हाँ सर ओके तो ये दो अलग अलग टाइप से आप लोगों के इसके प्रवेश सीखने के लिए रहेंगे कभी कभार वो अल्काइल कार्बोनिल लिखा रहेगा तो कभी कभार वो अल्का लिखा रहेगा ओके हाँ सर हाँ तो ये हो गया हमारा टेस्ट कंपाउंड डायरेक्टर अब फ्यूल्स के बारे में हमने इस कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड हमने इस कंपाउंड के बारे कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिल पूरा क्या नाम है कंपाउंड के हमारे कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड ओके अब इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है इसका जनरल स्ट्रक्चर होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच ठीक है क्या होता है इसका जनरल स्ट्रक्चर बताइए डबल बॉन्ड ओ एच या फिर इसको कौन से और एक तरीके से लिख पाऊंगा मैं बताइए मुझे आर सी ओ एच आर सी ओ एच तरीके से लिख पाऊंगा इसको आर सी ओ ओ एच आर सी ओ ओ एच अब इसके बाद चलिए फंक्शन ग्रुप का स्ट्रक्चर बताइए क्या है C double bond OH. Double bond. C double bond OH. क्या फिर? C O O H. C O O H. C O O H. अब इसके बाद में, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके फंक्शन ग्रुप के नाम। ये वाला जो फंक्शन ग्रुप
तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं सकता है, समझ में आ रहा है आपको? एसिड या फिर सिंपली डिस्टर्ब